हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएवी पब्लिक स्कूल भाषा मौथरी क्लास 5 हिंदी चैप्टर 7। और इस चैप्टर का नाम है पतीली की मृत्यु। और ये चैप्टर सिर्फ केवल पढ़ने के लिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो जैसा कि आप नाम से ही देख लें, पतीले की मृत्यु, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। वह बहुत ही बेईमान था। बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ क्या क्या वास्तव में वह व्यापारी ठगी कर रहा है। मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और तीन तीन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। जब बीरबल पतीले लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया। तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब, तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक एक छोटे पतीले को जन्म दिया है, इसीलिए यह तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए। व्यापारी लालची था, उसने खुश होकर तीनों पतीले रख लिए, है ना। अब आगे देखिए। कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। बीरबल 2-3 बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। बीरबल को खाली हाथ देखकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? जनाब, आपके पतीले की मृत्यु हो गई है। बीरबल ने कहा, क्या कह रहे हो, पतीला भी कभी मरता है? व्यापारी बोला, तो है ना, ये देखिए। बड़े ही शांत स्वभाव से बीरबल बोला, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता? व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ गया और उसने वादा किया कि भविष्य में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आनी भी बंद हो गई। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। और इस प्यारी सी स्टोरी को लिखने वाले हैं अनुराग बासु जी। तो आप लोगों को भी आशा है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे की जो है स्टोरी है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, टपके का डर। तो इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप देख लीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।